नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के फैसले का मायावती ने स्वागत किया है। साथ ही मायावती ने काशी राम को भी भारत रत्न देने की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दलितों और उपेक्षितों को आत्मसम्मान के साथ जीने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री काशी राम जी का योगदान ऐतिहासिक अविस्मरणीय है, जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। तो बिहार के बाद एक और राजनीतिक तौर पे जागरूक प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां की बड़ी लीडर है मायावती, उन्होंने बीएसपी के जो संस्थापक सदस्य हैं काशीराम, उनको लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई है कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बिहार में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बिहार की सियासत में इसे लेकर सियासी पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। कर्पूरी ठाकुर की 26वीं जयंती के मौके पर बिहार के तीनों प्रमुख सियासी दल रैली कर रहे हैं, जिसमें जेडीयू पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं आरजेडी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक समारोह आयोजित कर रही है, और बीजेपी की तरफ से पटना के मिरर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर की 26वीं जयंती मनाई जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग पार्टियों की रैली में अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है कर्पूरी ठाकुर को लेकर, उनके याद में आज के दिन ये सभी कार्यकर्ता जेडीयू के हों, बीजेपी के हों या फिर आरजेडी के हों, वो सभी अपने अपने पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम किए गए हैं उनमें पहुंच रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को आज सभी याद कर रहे हैं, सभी नमन कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये वोट बैंक की राजनीति भी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। नीतीश कुमार ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। तो नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया, और ये सच भी है कि नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, ये सब अलग अलग मंच से अलग अलग वक्त में भारत रत्न की मांग करते रहे हैं, और अब ये दिन आ भी चुका है। 2017 खाली आप हाथ मत मारिएगा जी। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए किया जाए किया जाए, तो अंत में कल स्थान में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, मेरा आपका ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके को और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान की जेपी नड्डा ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए वो बेहद कम। एक अत्यंत गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का यह असर है कि केंद्र की सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है। शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा।
खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। बिहार में इस वक्त कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पिता और पुत्र दोनों ने कांग्रेस के शासन में क्यों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिलवाया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसका क्रेडिट केवल और केवल पीएम मोदी को ही जाता है। मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज कर्पूरी जी ने दिया, कर्पूरी जी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, उनको सम्मान दिया। यानी समाज का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है। ये लोग कर्पूरी जी को बेच करके वोट लेने वाले हैं, लालू यादव और नीतीश को। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह श्रेय के अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जिनके नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो कहा यह जा रहा है कि यह वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। तो अब आपको बिहार में जातियों का गणित भी हम समझा देते हैं। देखिए, बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी की अगर हम बात करें तो यह 27.12% है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करें तो 36.01% यह आबादी है। अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी यहां पर 19.65% की है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी 1.68% की है। और सामान्य वर्ग की हम बात करें तो बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है और पिछड़ों और वंचितों के लिए काम किया जा सकता है और यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राहुल गांधी के ट्वीट की ये बड़ी बातें हैं, यानी अब चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या जेडीयू, इनका कहना ये है, इनका दावा ये है कि जो बिहार में अभी हालिया दिनों में जातिगत जनगणना साझा की गई थी, वो सार्वजनिक जगह पे रखी गई थी, उसके प्रेशर में आके भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी गई है। ये एंगल देने की कोशिश इन तमाम पार्टियों की तरफ से